तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दिशा निर्देश दिए हैं। कक्षा 6 से 12 तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। 12वीं तक की कक्षाएं जल्द खुल सकती हैं, तो 12 फरवरी से यूपी में स्कूल खोले जा सकते हैं। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ाई कराई जाएगी, सभी जगह की स्थिति का आकलन कर ये स्कूल खोले जाएंगे। तो कोविड-19 के आकलन के बाद ये कक्षाएं शुरू की जाएंगी और तमाम प्रोटोकॉल्स का भी पालन कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 से 12 तक के स्कूल खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षाओं को खोलने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, उसमें तमाम अफसरों को निर्देश दिया है कि स्कूल में अब पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू कराई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पे उत्तर प्रदेश ने नियंत्रण पाया है उसकी पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं जो अब खोली जानी चाहिए, और इसी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग और तमाम जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि अलग अलग जनपदों में अधिकारी अपने स्तर से कोरोना का आकलन करें और कोरोना की जो रिपोर्ट होती है उस आधार पर स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो कुल मिलाकर कोरोना का आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही उस जनपद में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी स्कूल हैं उनको खोला जा सकता है, और अगले 10 दिन में ये पूरी रिपोर्ट बनाना होगा अफसरों को और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजनी होगी। उसके बाद एक बैठक होगी, उस बैठक में तय होगा कि किस तारीख से कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करना होगा, कोविड की गाइडलाइन का पालन करना होगा, तो इन गाइडलाइनों को देखते हुए ही कक्षाएं शुरू कराई जाएं, ताकि जिस तरीके से लगातार जो पढ़ाई पे असर हुआ था कोरोना काल के दौरान उस पढ़ाई को अब निरंतर शुरू किया जा सके और बच्चों को स्कूल आने जाने की प्रक्रिया शुरू हो सके और पूरी तरह कहीं ना कहीं पढ़ाई पर किसी प्रकार का असर ना हो, क्योंकि आने वाली तमाम परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं पर कोई असर ना हो, उसको लेकर तैयारी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। हालांकि लॉकडाउन के बाद लगातार ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा ठीक से ना होने की वजह से या किसी प्रकार से टेक्निकल सुविधाएं न मिलने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में कई बाधा आ रही थी। उन बाधाओं को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश दे रहे थे कि पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और किसी प्रकार से समस्या न हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और अब इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पर उत्तर प्रदेश ने काबू पाया है, उस कोरोना संक्रमण काबू पाने के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि सभी जिलों में कोविड का आकलन करने के बाद कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को अब शुरू किया जा सकता है। जी अवनीश, वही अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करने की बात भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिस तरीके से प्रशासन ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है, एरियाज के आंकलन करने की यहां पर बात हो रही है कि पहले एरियाज का आंकलन किया जाएगा और उसके मद्देनजर ही स्कूलों को खोला जाएगा, तो किस प्रकार से ये आंकलन किया जाने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए सभी जनपद के लिए अलग अलग मानक होंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो कोरोना के लिए अलग अलग जनपदों के अलग अलग आंकड़े होते हैं। कई जनपद ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ही कम कोरोना संक्रमित मरीज निकलने हैं, उनकी संख्या 1-2 के बराबर ही या 0 के बराबर है। तो इस तरीके से पूरी तरह कोरोना पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नियंत्रण पाया है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सभी 75 जनपदों में अलग अलग रूप से एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी वहाँ के संक्रमण का आकलन करेगी। अगर संक्रमण का आकलन न्यूनतम होता है 0 होता है तो वहां पे स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। तो इसके लिए अफसरों की टीम तैनात होगी, इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी टीम होगी जो पूरे प्रकरण पर निगरानी रखेगी और किस तरीके से स्कूल को खोलना है यह भी सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा, और उसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। शासन उस स्तर से फैसला लेगा कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं शुरू करने की कवायद होनी है उसमें किस तरीके से उस जनपद में पूरी तरह कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। तो इसी को लेकर एक जिलाधिकारी अपने अपने स्तर से यह पूरा तैयार करेंगे, और खास बात इसमें यह होगी कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन जरूर कराया जा सकेगा, क्योंकि अगर देखने को अगर मिला तो पिछले दिनों ही अभी हाई स्कूल और इंटर की कक्षाएं शुरू कराई गई थी जिसमें कोविड-19 का पालन करवाया गया था। हालांकि इसमें उम्मीद कम थी बच्चों के आने की, लेकिन बढ़ चढ़ के बच्चे वहां पर पहुंचे, अभिभावकों ने भी मंजूरी दी कि बोर्ड की परीक्षाएं आने वाले समय में ऐसे में जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसको पूरा किया जा सके, उसको लेकर अभिभावकों ने अपनी रुचि दिखाई है और सरकार ने अपनी तरफ से अभिभावकों से हस्ताक्षर भी करवाए थे बिना
उनकी अनुमति के किसी भी बच्चे पर प्रेशर नहीं बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उसका नतीजा देखने को मिला कि अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे और वहाँ पे कोविड 19 का पूरा पालन किया जा रहा था। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अलग अलग तरीके से कोविड 19 का पालन करवा के कक्षाएं शुरू कराएं, पाठ्यक्रम शुरू कराएं, ताकि आने वाले बोर्ड के एग्जाम से पहले जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूरा किया जा सके, ताकि इसका लाभ बच्चों को मिल सके। तो तमाम शिक्षक भी ऐसे थे जो आ रहे थे, कोविड 19 का पालन हो रहा था, थर्मल स्कैनिंग हो रहा था, सभी कक्षाओं को दो पालियों में चलाया जा रहा था। पहली पाली में 50% बच्चे होते थे, दूसरी पाली में 50% बच्चे होते थे। दो पालियों में पूरी कक्षाएं चला जाती थी और खास बात इसमें होती थी कि 6 फीट की दूरी पे एक बच्चा बैठता था, यानी एक डेस्क होता था, उस डेस्क पे एक बच्चा बैठता था, फिर कुछ दूरी पे बच्चा बैठता था। तो पूरी तरह कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन करवाया गया और इसी का नतीजा है कि जब वो सत्र चला था तो उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली जिसका डर लोगों को था। कोरोना संक्रमण पर हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि वो पूरी तरह संक्रमण को रोकने में कामयाब हुआ है और इसी का नतीजा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो न्यूनतम स्तर के हैं। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कक्षाएं शुरू होनी चाहिए। फिलहाल जो फैसला लिया गया है वो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल उसके लिए जनपदों में कोविड के जो संक्रमित मामले हैं उनका आकलन करना जरूरी होगा। जी चलिए अवनीश बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।